तो फर्स्टली तो मुझे लाइक ये भी अवेयरनेस नहीं थी लाइक डिप्लोमा की कुछ लाइक ये कोडिंग भी चीज होती है. एक्चुअल में बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट हो गया बिकॉज कोडिंग के बेसिक्स क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे थे लाइक बहुत ज्यादा ही बेसिक. तो फिर इतना तो मुझे पता था कि कॉलेज से कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं. तुम सीजी पे ला रहे हो, अच्छे नंबर ला रहे हो, बस इसी से ही लाइक गूगल में जॉब मिल जाएगी या अच्छी अच्छी कंपनी में मिल जाएंगी, ऐसा नहीं होगा. Hi everyone, my name is Kushal Vidyan. I'm a software engineer at Microsoft. Welcome back to another video. जो आज हमारे गेस्ट हैं यार अमनीत सिंह, उनकी जर्नी सुन के मुझे मजा आ गया था. इतनी प्यारी जर्नी है और जो जो प्रॉब्लम उनने फेस करी, कैसे ओवरकम किया, किस कंपनी में आज वो काम कर रहे हैं, किस पोजिशन पे काम कर रहे हैं, आप खुद सुन के इंस्पायर हो जाएंगे और बहुत सारी अमेजिंग चीजें जानने को मिलने वाली है इस वीडियो में. वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और कैसे उनने अपनी जर्नी किक स्टार्ट करी कंप्यूटर साइंस में टू द पोजिशन ही इज एट टूडे, वो सब जान रहे होंगे इस वीडियो के अंदर. चलिए शुरू करते हैं उनके इंट्रोडक्शन से. So hello guys, hello Kushal. So my name is Amneet Singh and so currently I'm a software engineer at PhonePe. So as Kushal said, I did my graduation from Delhi Professional University. I'm at 2022 pass out. So I have 1 year of software engineer like experience in Vahan. So actually Vahan is an early stage startup. And before that, actually after 10th, I directly did my diploma. Then after that, I did BTech. So basically, I just joined BTech as a second year student. So it is a little bit different from like the common thing. Like after 12th, we do PE, then like BTech. So it is a little bit different. So that's all about me. ओके गॉट इट. तो ये जो आपने चीज अभी बोली, ये थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आई चीज. जैसे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, आपने 10th के बाद 11th 12th नहीं किया, सीधे डिप्लोमा किया और फिर सीधे LPU में आपने एडमिशन लिया, तो ये क्या प्रोसेस था और हाउ द जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड? एक्चुअली आफ्टर 10th तो मैं दिख रहा था कि कुछ एक्चुअल में अच्छा लाइक स्कूल मिले जिसमें मैं लाइक +1 +2 कर सकूँ. बिकॉज हमारे वहाँ पे इतना लाइक अवेयरनेस नहीं थी, अवेयरनेस थी ही नहीं कि JEE भी होता है कुछ कुछ लाइक बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी. इवन कोई सीनियर भी होता जो बताता, ऐसा कुछ नहीं था. तो किसी ने रिकमेंड किया कि तुम आफ्टर 10th डिप्लोमा कर सकते हो, 3 इयर्स का डिप्लोमा होता है. तो मैंने कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किया कंप्यूटर साइंस का. सो बेसिकली वहां से सेकेंड ईयर से ही कोडिंग के कंसेप्ट आ जाते हैं लाइक C++ कोडिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स. तो बेसिकली उसमें लैग क्या होता है कि उसमें मैथमेटिक्स इतना डीप में नहीं पढ़ाते. तो 3 इयर्स मैंने डिप्लोमा किया कंप्यूटर साइंस में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से ही. देन आफ्टर दैट तो बीटेक स्टार्ट हुई मेरी डायरेक्ट सेकेंड ईयर से. बिकॉज फर्स्ट ईयर बीटेक तो बेसिकली मेन सबके लिए कॉमन ही होते हैं, कॉमन होते हैं सारी स्ट्रीम्स के लिए. सो इसमें फायदा काफी हुआ इस चीज में, बट डिसएडवांटेज भी काफी थे. बट ये बहुत अमेजिंग चीज लगी कि LPU एक अलग से प्रोग्राम ऑफर करता है डिप्लोमा स्टूडेंट्स को, कि डायरेक्टली लेटर एडमिशन दे देता है फॉर देयर बीटेक प्रोग्राम, जो कि काफी अमेजिंग है. ओके ओके. तो अमनी, जैसे आपने बताया 11 12th में आप नहीं, स्कूल आप नहीं गए थे, आपने डायरेक्ट डिप्लोमा किया फिर बीटेक ज्वाइन कर लिया, तो मैथ्स की कमी रही, तो वो गैप आपको कहाँ कहाँ अफेक्ट किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी आपको उस गैप की वजह से? तो फर्स्टली तो मुझे लाइक ये भी अवेयरनेस नहीं थी लाइक डिप्लोमा की कुछ लाइक ये कोडिंग भी चीज होती है. तो देन बेसिकली धीरे धीरे लाइक एक्चुअल में टीचर्स बहुत अच्छे थे कॉलेज में. तो टीचर्स ने थोड़ा गाइड किया कि यू हैव टू स्टार्ट कोडिंग लाइक एज अ साइड लर्निंग. तो कोडिंग स्टार्ट की, देन धीरे धीरे कोड शेफ पे आया. देन धीरे धीरे पता लगा कि मेरा मैथमेटिक्स लाइक बहुत ज्यादा ही वीक है. बिकॉज तब मैंने थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी होते हैं. इवन टेंथ में मेरा मैथ्स बहुत वीक था एक्चुअल में, बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट हो गया बिकॉज कोडिंग के बेसिक्स क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे थे लाइक बहुत ज्यादा ही बेसिक. सो डिप्लोमा के सेकेंड ईयर से तब मैंने फिर कोडिंग जर्नी स्टार्ट की. तो धीरे धीरे करते करते लाइक बहुत सारे चैलेंजेस आए. इवन मैंने मैथमेटिक्स के साइड कोर्स किए लाइक परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर अलजेब्रा. तो ये सब मैंने फिर खान अकेडमी से पढ़ा. तो खान अकेडमी ने काफी अच्छा पढ़ाया. तो धीरे धीरे थोड़ी लाइक कहते हैं नॉलेज आई, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए लाइक JEE में. तो जो लाइक जो बच्चे सॉल्व करते हैं तो उनका लाइक एक छोटा चैलेंज फेस करने का उनका एक लाइक क्या कहते हैं माइंडसेट आदत बन बन जाती है, वो डेली सॉल्व करते हैं जाते मैथमेटिक्स हैं. क्वेश्चंस. राइट. तो ये जनी रही मेरी. तो अमनी, जो आपका कॉलेज था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वहां पर आपको कल्चर कैसा मिला? बिकॉज आप यू नो, आप जिस लेवल से स्टार्ट कर रहे थे, वहां से स्टार्ट करना, एक बिगनर लेवल से स्टार्ट करना कोडिंग का, तो उसमें सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है. तो कैसा कोडिंग कल्चर था, उसमें एक्टिव क्लब्स थे नहीं थे, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ. कुशाल, हमारे कॉलेज में क्लब्स तो बहुत थे कोडिंग के. तो बेसिकली LPU में मेरा मेरे लिए ये एडवांटेज हुआ कि टीचर्स बहुत अच्छे थे. तो बेसिकली टीचर्स ने गाइडेंस बहुत अच्छा किया
आई थिंक इन द स्टार्टिंग से ही लाइक इन द डिप्लोमा सेकेंड ईयर से ही तो टीचर्स ने लाइक बहुत अच्छा गाइड किया कि साइड बाय साइड भी कुछ करना चाहिए. इट डजेंट मीन कि तुम CGPA ला रहे हो, अच्छे नंबर ला रहे हो, बस इसी से ही लाइक गूगल में जॉब मिल जाएगी या अच्छी अच्छी कंपनी में मिल जाएंगी. ऐसा नहीं होगा, तुम्हें साइड बाय साइड भी कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो स्टार्ट करो. तो धीरे धीरे मैंने देखा कि फिर हमारे यहाँ पे एक्चुअल में सीनियर्स के बहुत अच्छे कनेक्शन हैं, एक अलुमनाई नेटवर्क है, तो वहां से हम सीनियर्स से कनेक्ट कर सकते हैं. एंड इवन हमारे क्लब्स भी बहुत है, जो अभी तक हमारे LPO के जो ग्रेजुएट हो चुके हैं सीनियर्स वो भी क्लब चला रहे हैं. लाइक कोई कॉलेज लाइक क्लब का प्रेसिडेंट है तो वो गाइड करते हैं जूनियर्स को. तो LPO में कोडिंग का नेटवर्क बहुत अच्छा है, तो इससे काफी हेल्प मिली. सही सही, मतलब आपको मेंटरशिप और जो गाइडेंस थी उसकी कभी कमी महसूस नहीं हुई. अमेजिंग. राइट. अभी जो आपका करंट रोल है, आपने बोला पहले आपने एक बार इंटर्नशिप करी और एक साल का एक्सपीरियंस आपकी उसके दौरान ही बीटेक के दौरान आपको मिल गया. उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसा ज्वाइन किया इन फोन पे, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल पाई, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको कॉलेज प्रोवाइड कर पाया, और यू नो हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट जनरली गेट, और कितने चांसेस रहते हैं ग्रैप करने की अपॉर्चुनिटीज. सो बेसिकली इफ यू हैव अ गुड प्लेसमेंट इन द कॉलेज देन तो इशू नहीं है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट लग जाती है. तो सेम मेरी भी ऑन कैंपस प्लेसमेंट लोएस्ट इंडी कंपनी है तो वहां पे लग गई थी, बट वो फुल टाइम जॉब थी, थर्ड ईयर में लगी थी, बट ज्वाइनिंग थी नेक्स्ट ईयर. तो या तो मैं एक साल पूरा वेस्ट कर लेता, इंजॉय करता, या तो कुछ और अप्लाई करता, क्योंकि कॉलेज में बैठ नहीं सकते थे प्लेसमेंट्स में. तब मुझे पता था मुझे कुछ जॉब लग चुकी थी, बिकॉज़ आपकी एक अच्छी जॉब लग चुकी थी. और वो आप बता सकते हो कितना पैकेज लगा था आपको? 1960 से था वो उस टाइम पे. ओके, 1960 की आपको कॉलेज के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिली थी. राइट. और वो फुल टाइम था, नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग हुई थी, नेक्स्ट ईयर से. तो फिर इतना तो मुझे पता था कि कॉलेज से कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, तो मैंने फिर इतना एक्चुअल में मुझे अवेयरनेस थी कि लिंक्डइन में हम जॉब मिल सकती है, तो मैंने जस्ट लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाना इवन सेकंड ईयर डिप्लोमा सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दिया था. तो लिंक्डइन पे जस्ट मैंने एक्चुअल में एक गूगल शीट बनाई, अच्छी अच्छी जितनी भी कंपनीज इंडिया में टॉप स्टार्टअप्स हैं, जोमेटो, स्विगी, फोन पे, सब स्टार्टअप्स के लिंक्स निकाले, जॉब लिंक निकाले, सॉफ्ट इंजीनियर वन की कितनी ओपनिंग्स हैं, इंटर्नशिप की कितनी ओपनिंग्स हैं. तो आई फील मैंने 100 to 100 कंपनीज की लिस्ट बनाई और सबके पर्सन को कनेक्ट किया लिंक्डइन पे. लाइक ऐसा नहीं कि मैं जस्ट एक बंदे को भेजता था, इवन एक पर्टिकुलर कंपनी के 10-10-20 बंदे को भेज देता था. इवन मेरे कनेक्शन ही ओवरफ्लो हो जाते थे कि एक वीक में आई थिंक ओनली हम 50 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, 15 to 60. तो ऐसे ही बहुत बंदों को कनेक्ट किया धीरे धीरे. फिर एक्चुअल ना पोस्ट आ जाती हैं, इफ कंपनी में ओपनिंग होती है बंदे पोस्ट डाल देते हैं, इनोवा कंपनी, सॉफ्ट इंजीनियरिंग, इंटर्नशिप ओपनिंग. तो ऐसे ही मुझे वाहन की अपॉर्चुनिटी मिली, एक बंदे ने पोस्ट किया था, तो वैसे ही वाहन का ऑफ कैंपस इंटरव्यू दिया एंड देन वाहन में सिलेक्ट हो गया इंटर्नशिप. तो 6 months की इंटर्नशिप थी वाहन में. तो एक्चुअल में इंटर्नशिप 6 months की थी, वाहन अर्ली स्टेज स्टार्टअप था, तो वाहन में लर्निंग काफी अच्छी हुई. तो इवन उन्होंने आफ्टर 4 months ही फुल टाइम दे दिया बीटेक के ग्रेजुएशन के टाइम ही, बिकॉज वहां पे मैनेजर बहुत अच्छे थे और काम भी लाइक अर्ली स्टेज स्टार्टअप था, तो काफी आई कैन से द ब्रेथ, एक BFS अप्रोच लगाई इन द सेंस की मुझे बहुत ब्रेथ मिली चीजों की सॉफ्ट इंजीनियरिंग फील्ड में. तो ये काफी फायदा हुआ. गौर, आपने फिर उसके फोन पे भी क्रैक करी, बट मैं जानना चाहता हूँ कि देखो कोई भी इंसान इंटरव्यू क्रैक करने के लिए पैदा नहीं होता, उसको प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है. तो यहाँ पर आपका जो TNP सेल था उसने आपको कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी करवाई, या फिर आपका करिकुलम क्या था, आपको प्रिपेयर कैसे किया गया इन इंटरव्यूज में बैठने के लिए, आपको लोएस्ट इंडिया में जॉब मिली, उससे पहले आपकी कितनी ग्रिल, आपको कितना ग्रिल किया गया था टू गेट रेडी फॉर प्लेसमेंट्स? सो बेसिकली हमारे कॉलेज में थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर है, डिफरेंट सेक्शन बन जाते हैं आफ्टर सेकंड ईयर. एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का सेक्शन, एक होता है सर्विस बेस्ड कंपनी का सेक्शन. तो बेसिकली जस्ट एक कोडिंग टेस्ट होता है, तो उसमें आई फील सारे LPO के कंप्यूटर साइंस के बंदे पार्टिसिपेट करते हैं. तो टॉप 200 to 300 को वो कोडिंग सेक्शन में डाल देते हैं, जिनकी अच्छी रैंक आई कोडिंग कॉम्पिटिशन में, एक कॉन्टेस्ट होता है बेसिकली. तो ऐसे ही हमें एक प्रोडक्ट बेस्ड सेक्शन में डाला गया, तो हमारे मोस्टली कोडिंग लाइक जैसे डेटा स्ट्रक्चर के ही क्लासेस होती थी मोस्टली. तो उन्होंने काफी कोडिंग कॉन्टेस्ट भी अरेंज करवाए साइड बाय साइड, तो ये चीज काफी अच्छी लगी कि बच्चे को प्रिपेयर ही करवा रहे हैं लाइक इंटरव्यू प्रेपरेशन के स्टाइल से ही. तो ये चीज काफी फायदे हुई आगे जाके इंटरव्यू से. ओके. और विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कोई चीजें होती थी? सो बेसिकली लाइक एज कोडिंग सेक्शन में हमारे सॉफ्ट स्किल के भी डिफरेंट क्लासेस थी एंड कोडिंग की डेटा स्ट्रक्चर की भी डिफरेंट क्लासेस थी. तो वही लाइक वो एक प्रॉपर बंदे को इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से ट्रेन कर रहे थे, प्रॉपर इंटरव्यू प्रेपरेशन. और ये सपोर्ट आपको जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है उसके उसके भी मिल रहा था.
अमेजिंग. तो चलते हैं आपकी हायरिंग प्रोसेस पे, एक्ट फोन पे, बिकॉज वो आपकी करंट जॉब है. तो उसके कौन कौन से हायरिंग राउंड्स थे और कैसे शुरू हुई प्रोसेस और क्या डिफिकल्टी लेवल थी क्वेश्चंस की, किस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे गए, उसके बारे में थोड़ा बताओगे? ओके, तो फोन पे में एक्चुअली मैंने रेफरल लिया था सीनियर से. तो और वो सीनियर आपके कॉलेज के थे? राइट, हमारे कॉलेज के, हर्ष श्रीवास्तव है तो हमारे कॉलेज के थे. वो आपके एलुमिनी नेटवर्क. सो हाउ डिड यू कनेक्ट विद देम? फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक्डइन और आपके कॉलेज के थ्रू? बेसिकली लिंक्डइन. तो एक्चुअली मैंने लिंक्डइन पे बहुत सारे कनेक्शन बनाए लाइक मल्टीपल कंपनीज के. तो ऐसे ही लाइक कॉलेज के सीनियर से कभी कभी बात हो जाती है. मैं खुद ही मैसेज कर देता हूँ कि कंपनी में ओपनिंग है तो लाइक फ्यूचर में आप क्या कहते हैं रेफर कर सकते हो. तो एलुमिनी सपोर्ट इज गुड? राइट, वेरी गुड, नाइस. ओके, देन Then after that, actually मैं वाहन में उस टाइम पे प्रेशर बहुत था, वर्क प्रेशर. तो मैंने आई थिंक 2 weeks की लीव ले ली थी उस टाइम पे फोन पे के इंटरव्यू के लिए, प्रेपरेशन के लिए. तो उस टाइम क्योंकि मैंने एक्चुअली मैं कोडिंग लाइक कॉम्पिटेटिव कोडिंग में कंटिन्यूटी ही थी मेरी, कंसिस्टेंसी बनी हुई थी. लाइक रेगुलर कोडिंग कॉन्टेस्ट देता था इवन आफ्टर जॉब एंड वाइल लाइक जब मैं जॉब कर रहा था वाहन में तब भी कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी थी मेरी उस टाइम पे. तो इंटरव्यू प्रेपरेशन में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई. मैंने बेसिकली लीड कोड के जो इंटरव्यू प्रेपरेशन के मेन मेन प्रॉब्लम्स हैं तो 2 weeks में मैंने वो सारे एक अगेन सॉल्व किए. मोस्टली मैंने डीपी एंड ग्राफ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए. देन आफ्टर दैट जो फोनपे का फर्स्ट राउंड था वो तो ऑनलाइन राउंड था. तो बेसिकली उसमें तो एडहॉक काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स थी. तो बेसिकली दे गेव 3 problems सो वी हैव टू सॉल्व इट इन 90 minutes. तो वो तो हो गया था. देन आफ्टर दैट फर्स्ट राउंड में डीपी एंड ग्राफ्स के क्वेश्चन थे. तो फोन पे मेनली डीपी एंड ग्राफ्स पे ज्यादा लाइक ग्राइंड करता है. तो इवन 2 coding rounds हुए थे, दोनों में ही डीपी ग्राफ्स के क्वेश्चन थे. अच्छा, दोनों टेक्निकल राउंड. उसके बाद एचआर या हायरिंग मैनेजर राउंड, उसके बाद एक हायरिंग मैनेजर राउंड हुआ. तो उसमें भी एक मेरे से डीएस एल्गो का ही क्वेश्चन पूछ लिया था और बाकी प्रोजेक्ट्स पे काफी डिस्कशन हुई. तो इवन एक्चुअली में मेरे रिज्यूमे में एक प्रोजेक्ट है, लाइक 2 projects है जो लाइव वेबसाइट है. तो इवन मैंने स्क्रीन शेयर करके वेबसाइट ही प्रॉपर फ्लो समझाया उनको. तो वो काफी हेल्पफुल हुआ इस चीज में. काफी अमेजिंग. तो एक बात मुझे बताओ, आप सीपी आपने शुरू करी थी जैसे कि आपने बताया, तो वो क्या रीजन था कि आपने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी? आपके अराउंड आपके जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे वो करवा रहे थे, वो करते थे, या फिर आपके कॉलेज क्लब्स में ये चीज हो रही थी? वो कल्चर जिसने आपको किक स्टार्ट करने में हेल्प करी, वो आपको कहाँ से मिला? एक्चुअल में मेरा केस थोड़ा इसमें डिफरेंट था क्योंकि जब मैं लाइक सीपी कर रहा था उस टाइम पे मैं डिप्लोमे में था. तो मुझे बीटेक के लाइक मोस्टली सीपी बीटेक के स्टूडेंट्स ही करते हैं मोस्टली कॉमनली. तो मुझे कोई जानता नहीं था उस टाइम पे, अवेयरनेस नहीं थी. तो मैं वैसे ही कोरा पे आर्टिकल देखता था कि हाउ टू गेट जॉब इन गूगल. देन आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनलिस्ट बंदे आ जाते थे, तब मुझे पता लगता था कि ऐसी सीपी भी चीज होती है तो वो कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो धीरे धीरे फिर वहां से थोड़ी अवेयरनेस हुई कोरा से. तो कोरा के आर्टिकल पढ़ता था, देन धीरे धीरे फिर कोर्सेस स्टार्ट की, देन कोड फोर्सेस, देन धीरे धीरे फिर वहीं से स्टार्ट हुआ. चलो फाइनल हम उस पे चलते कि आपके कॉलेज में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जो करिकुलम है आपका एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट बीटेक का जो रहता है, और बहुत बच्चे क्या होते हैं जो आपकी जर्नी भी फॉलो करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद डिप्लोमा से, तो उसमें कितना वो करिकुलम आपको हेल्प करता है टू गेट टू क्रैक बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज? ओके, तो बेसिकली अभी आजकल जो मार्केट में चल रहा है तो मोस्टली डीएस से राउंड ही होते हैं मोस्टली स्टार्टिंग एज ए फ्रेशर के लिए. इफ स्टार्टअप में अप्लाई कर रहे हैं देन मोस्टली हमें वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉइड पे मोस्टली फोकस करना पड़ता है. मोस्टली अदरवाइज डेटा स्ट्रक्चर राउंड ही होते हैं. तो एलपीयू में डेटा स्ट्रक्चर लाइक एज एक सब्जेक्ट था डेटा स्ट्रक्चर्स, तो काफी अच्छे तरीके से पढ़ाया, प्रैक्टिकल क्लासेस भी थी. एंड इवन हमारे तो प्रोडक्ट बेस्ड जैसे मैंने बताया कि सेक्शंस भी डिफरेंट हैं, तो वहां पे भी डेटा स्ट्रक्चर ही पढ़ाया उन्होंने, इवन कोडशेफ के प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करवाए. तो ये चीज काफी हेल्पफुल हुई. इफ हम अर्ली स्टेज स्टार्टअप में अप्लाई कर रहे हैं तो हमें वेब डेवलपमेंट अच्छे से आनी चाहिए. तो एलपीयू में 3rd year में हमें मेजर एंड माइनर चूज करना होता है, सेम आई थिंक मोस्टली कॉलेजेस में ये होता है. तो उसमें भी मैंने लाइक वेब डेवलपमेंट चूज की थी, तो वो भी काफी फायदेमंद हुआ आगे जाके. तो ये तो हो गया कि आपको जो कॉलेज प्रोवाइड कर रहा था चीजें, बट व्हाट अबाउट द टीचर्स, हाउ आर द टीचिंग लेवल, जो वो पढ़ा रहे थे वो कितना इफेक्टिव था स्टूडेंट्स के लिए? ओके, तो बेसिकली सेकंड ईयर में जो डीएसए कोर्स था लाइक मोस्टली जो कॉलेज में होता है वो तो मोस्टली एक एंड से द बेसिक लेवल ही होता है. मोस्टली बेसिक लेवल लाइक आप सबको लाइक बेसिक से बता देंगे कि कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं, एक बार ब्रेथ बता देंगे सब चीज की. बट डीप में तो लाइक हमें साइड लर्निंग पे ही जाना पड़ेगा, साइड लर्निंग करनी पड़ेगी, हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बहुत. तो मैंने क्वेश्चंस लाइक बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिस किए थे उस टाइम पे. तो
चलो ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं एलपीयू के हैं या नहीं है एलपीयू के, उन सबको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, लास्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहते हैं? तो अभी तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एडवाइस क्या है कि अपने फर्स्टली कनेक्शंस बढ़ाने चाहिए आप सबको. तो कनेक्शन से ये होगा कि आप लाइक इन द इफ आप फर्स्ट ईयर बीटिंग से ही फर्स्ट ईयर से ही अपनी कनेक्शंस बढ़ा रहे हो तो आपको गाइडेंस अच्छी मिलेगी. इफ अच्छे सीनियर से किसी से कनेक्ट हो रहे हो तो ऑफकोर्स वो इन द स्टार्टिंग ही आपको अच्छी गाइडेंस देगा. ऐसा नहीं कि लाइक फर्स्ट ईयर बीटेक से ही हम इंटरव्यू प्रेफरेंस स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं है. हमें क्या कहते हैं इंजॉय भी करना है एंड लर्निंग भी करनी है. देन हमें क्या कहते हैं तो बेसिकली हमें बैलेंस रखना चाहिए कॉम्पिटिटिव कोडिंग हो गई एंड वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉइड लाइक कुछ डेवलपमेंट तो बैलेंस रखना चाहिए क्योंकि जब हम कंपनी में जाएंगे तब तो डेवलपमेंट की ही नीड होगी. कॉम्पिटिटिव लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग जस्ट स्किल है जो आपका आई थिंक माइंड पजल जैसा बना देती है. हम पजल सॉल्व कर पाते हैं फास्टली तो माइंड बन जाता है थोड़ा, बट मेन तो हमें डेवलपमेंट करनी पड़ेगी. तो डेवलपमेंट आनी चाहिए तो सो दैट कि हम प्रोजेक्ट शोकेस कर सके हम रिज्यूमे में. एंड कुछ ऐसे लाइक 2-3 प्रोजेक्ट्स हमारे पास ऐसे होने चाहिए जो लाइव वेबसाइट हो और लाइव हमारे पास एंड्रॉइड ऐप हो सो दैट कि हम उनको शोकेस कर सकें. इफ हम जस्ट गिटहब लिंक डाल देंगे या जस्ट प्रोजेक्ट डाल देंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है. तो ये चीज ही जस्ट एडवाइस देना चाहूंगा मैं. थैंक्स अ लॉट अमित फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आई होप जितने भी स्टूडेंट देख रहे होंगे उन्हें कोई भी डाउट होता है आप अमित से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं. उनका जो लिंक्डइन आईडी होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. मेरे लिए कोई डाउट है तो कमेंट करो या फिर कोई भी सोशल हैंडल पर रीच आउट करो. मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर.